अच्छा लेके तुम आयो पैसे मैं दूं? ट्रीट तुम्हारी है ना, तुम्हें हमने पहला कदम रखवाया है बाहर। तुम आयो और खिलाओगे भी तुम? अच्छा आज बिल्कुल मैं आराम पे आया हूँ तुम्हारे साथ में। तुम ही खिलाओगे जो कुछ खिलाओगे। जी नमस्कार सबको, कैसे हो भाइयों और भाइयों की बहनों, वेलकम टू ट्रिपल ए व्लॉग्स। ट्रिपल ए व्लॉग्स बोले तो तीन लोग, ऑब्वियसली बात है एक तो नहीं बनाऊंगा अकेला, तो अभी दो लोग जो रह गए उनके पास चलते हैं। आज से हमने एक नया व्लॉग स्टार्ट किया है, हम फर्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इस पर, ठीक है। तो अभी जो दो लोग बचे हैं ना, अभी मैं उनसे मिलाता हूँ तुमको, बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग हैं, देखना अभी कौन है। करते हैं मोर मुकुट बंसी वाले से, जो चलते हैं उन लोगों के पास, इंतजार कर रहे हैं हमारा। हाँ तो घर से तो भाई हो गए रवाना, अब जा रहे हैं अपने भाई के पास जो ट्रिपल ए में दो लोग बाकी थे ना उनके पास, तो भी दिखाते हैं आपको उनके पास जाके। घर का रास्ता, ये हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं फाइनली। ये हमारे बैठे हैं, देखो लंगड़े साहब बैठे हैं यहाँ पे, देखो संघर्ष करते हुए मेरा भाई, कितनी परेशानी हो रही है भाई पैरों में बताओ। हाँ भाई, तीसरा आदमी हमारा ट्रिपल ए का, क्या हाल है भाई? बेहतरीन, नाम बताइए। हम तो बढ़िया हैं, इनका पैर टूटा है यार, मतलब आए ऐसे पैरों से आ रहे हैं। भाइयों आ चुके हैं आगरा मेट्रो, आगरा में भी अब मेट्रो आ चुकी है, आगरा भी तरक्की कर रहा है। आगरा का तो जलवा है यार, तरक्की करेगा आगरा यार, यही तरक्की करेगा आगरा यार, काम चल रहा है अभी लेकिन तरक्की करेगा आगरा, जल्दी करेगा। जो तुम लोगों ने से एक चीज बताओ, तुम लोगों ने कभी दिल्ली में या कहीं भी मेट्रो में ये किया है का एक टोकन डाल के दो जने बैठ गए? मैंने बहुत किया भाई, मैंने बहुत किया है ऐसा। तुमने किया है? आऊं यार मैं ऐसे साकेत मेट्रो पे किया था मैंने दो तीन बार ऐसे। ये कर रहा है मतलब एक टोकन में दो लोग निकल जाते हैं, वाह बिल्कुल एकदम चुपका के घुस जाते हैं। तो आगरा में भी ऐसा हो सकता है, निकलते थे ना आगरा में तो चार चार घुसेंगे एक साथ यार, कर सकते हैं कुछ लौंडे आगरा में भी। आगरा बोल बोल के जी, आगरा में रेड टेप है और इसके बराबर में ही मैक्स है, मैक्स फतेहाबाद रोड का सीन है ये। अभी ग्लोबल 20 सम्मेलन हुआ था तो उसमें आगरा को बहुत। दूसरा मेट्रो स्टेशन है, हमारा दूसरा मेट्रो स्टेशन है। अंधेरा हो गया गाइस, एकदम रात्रि का समय हो गया आ चुका है। भाइयों ये लाइन अभी मैंने जो आपको दिखाई है ये ताजमहल के गेट की तरफ चली जाती है और ये रोड है, इधर से हम सर्किट हाउस जाते हैं। तो अब से भाई कहाँ चलना चाहोगे? अभी हम चल रहे हैं भाई सर्किट हाउस, सर्किट हाउस अभी अच्छा सर्किट हाउस, तो भाई सर्किट हाउस चलते हैं, आपको सर्किट हाउस दिखाते हैं। एंट्रेंस है पूरा यहाँ से, ये इधर एंट्रेंस नहीं है, ये है एंट्रेंस। आप गलत रास्ते पे, गलत रास्ते पे मत चलो, सीधे रास्ते पे चलो हमारे साथ, जिस रास्ते पे हम ले जा रहे हैं। ये हमारा सर्किट हाउस, इधर जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं ना सारे यहाँ पे आते हैं, स्टे करते हैं अपना। आदित्यनाथ योगी भी आए थे अभी लास्ट टाइम, तो यही है अपना सर्किट हाउस। ये हमारे बेचारे लाचार आदमी देखो कैसे टेंशन में बैठे हैं पैरों पर, एक पैरों से चलाएंगे इनको भी हम सर्किट हाउस। सर्किट हाउस फाइनली ठीक है, तो हम यहाँ से निकलते हैं, तो मैं सर्किट हाउस का नजारा दिखाता हूँ मैं आगे चल के। तो चल रहे हो तुम? नहीं यार अभी थोड़ी दिक्कत होगी चलने में अभी। अरे चलो यार, अरे तू हो गया ना अब से खड़ा हुआ है, चलो तो ये तो जा नहीं पाएंगे, वैसे पूछ लेता हूँ उनसे मैं एक बार ही, है ना। ये चल रहे हैं क्या? मुश्किल है, नहीं जा पाएंगे। चल रहे हो भाई तुम? भाई कहाँ से चल लूंगा, मेरे पैर अटपट लटके डले हैं, कहाँ से चल सकता हूँ तू खुद बता यार। मैं काम करता हूँ, सुनो तुम्हारे पैर, सुनो मैं तुम्हारे पैरों को दबा, पैर दबाएगा। एक बार ट्राई कर ले रहे हैं, एक बार ट्राई कर लूंगा, ट्राई कर लूं, थोड़ा मतलब ही नहीं है भाई। नहीं है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, खून का रिश्ता खत्म आ जाए, बिल्कुल खत्म, मतलब नहीं बनना है। लेकिन मन नहीं लग रहा उनके बिना, है ना। ऐसा है ना, अब तीनों लोग साथ चलते हैं तो तीनों को आदत पड़ी हुई है, अब वो कार में बैठा है, हम लोग आ गए हैं तो अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन तुमको मैं व्यू दिखाता हूँ पूरा यहाँ का, ये देखो। ये अपना बेसिकली ना चीज़ें इन्हें लोगों ने इस तरीके से सेटअप करी हैं कि लोग दिन में आज आ पाएँ, अपना फिजिकल विजिकल थोड़ा करें, है ना, एक्सरसाइज वगैरह करें, फिटनेस करें, रनिंग वगैरह करें, बाकी लोग जो भी हैं यहाँ पे। और जितने भी पॉलिटिशियंस वगैरह आते हैं ना वो भी सब यहीं स्टे करते हैं। यार मजा आया था यहाँ के, मतलब सामने अच्छा। अरे भाई कौन हो रंदे? ओ भाई ये तो अपनी है भाई, क्या भाई लूला भाई, अरे
चला लाए बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। सब भाई अब तू ही चलाएगा गाड़ी, काम करो तुम चलाओ, हम नहीं चलाएंगे। दर्द हो रहा है तेरे इतना तो। हां भाई तुम क्यों आए हो यहां पे, क्यों आए हो तुम यहां? अब दिखाते हैं तुम्हें सर्किट हाउस का माहौल। यहाँ पे लोग देखो कैसे अपना वॉक करते हैं बेचारे, जिनका वेट बढ़ जाता है पहले तो खाते हैं पेल के, उसके बाद वॉक करते हैं, करने के लिए मेहनत करते हैं बेचारे। ये हो गए कुछ हमारे भाई, सर्किट हाउस से बाहर निकल गए हम तो। आप कहाँ चले बताओ? हाँ भाई कहाँ चलना है शेर भाई? यहाँ तुम लेके आए हो, तुम कहीं भी रह चलो, कहीं चल लूंगा मैं तो। तुम दूध दलिया खा के बोर हो गए होंगे, तो पैसे तो लेकिन तुम ही दोगे। अच्छा लेके तुम आयो, पैसे मैं दूं? ट्रीट तुम्हारी है ना, तुम्हें हमने पहला कदम रखवाया है बाहर। तुम आयो और खिलाओगे भी तुम? अच्छा आज बिल्कुल मैं आराम पे आया हूँ तुम्हारे साथ में। तुम ही खिलाओ जो कुछ। भाइयों हम आ चुके हैं अब पिज्जा पास्ता डे पे, और हमारे अभिषेक भाई हमें यहाँ लेके आए हैं। तो भाई क्या क्या ऑर्डर किया है? मैंने किया है तुम्हारा एक व्हाइट सॉस पास्ता, एक अपना किया है थम्सअप, एक किया है अपने तीन बर्गर, पनीर बर्गर। तो इसका पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट एक काम करते हैं, पेमेंट कोई नहीं करेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करेंगे, जिस पे 100 आएगा वो पेमेंट करेगा। नहीं नहीं क्यों? ये नहीं होगा, पेमेंट एक इंसान करेगा, पेमेंट एक आदमी करेगा। अच्छा तो एक इंसान बोल तो ना, तुम करोगे एक इंसान? नहीं भाई मैं तो इस समय मैं लाचार इंसान हूँ, मेरी हालत खराब है, और तुम लोग मुझे लेके आए हो, और पूरे 2 महीने बाद तुम मुझे घर से निकाल के लाए हो, मरना मैं किसी के कहने पे नहीं आया हूँ। चलो ठीक है फिर, इस गरीब आदमी के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, कोई इंडिपेंडी नहीं होगी और ना कोई अक्कड़ वक्कड़ होगी, पेमेंट एक इंसान करेगा। ठीक है, नो डाउट बर्गर बहुत अच्छा था अकॉर्डिंग टू प्राइस, और बाकी अभिषेक और छोटू बताएंगे आपको बर्गर कैसा था। कैसा था अभिषेक बर्गर? तो मैं बताऊं तो मैं बर्गर बहुत टेस्टी था, मैंने तो पहले भी खा चुका है ना, तो उसके प्राइस के अकॉर्डिंग इतना टेस्टी था बर्गर के 49 या फिर 69 का करके कुछ है, तो अकॉर्डिंग टू उसमें जो उसने इंग्रेडिएंट्स डाले थे ना बर्गर में, वो काफी मेरे को अच्छे लगे, नो डाउट। और छोटू भाई आपको कैसा लगा बर्गर? नो डाउट एकदम परफेक्ट पास्ता, लेकिन हाँ बस थोड़ा पास्ता हल्का था, जो पास्ता था वो थोड़ा मतलब 19 रहा था। हम आ चुके हैं इनको छोड़ने के लिए, क्योंकि रात हो गई, इनको मेडिसिन वगैरह भी लेने हैं अपने, ठीक है? तो फिर एक काम करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, नमस्कार सबको।